वही अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां डॉक्टर और बदमाश युवकों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो इंदरगंज थाना क्षेत्र के गेंडेवाली रोड का बताया जा रहा है। दरअसल डॉक्टर होतम सिंह इंदरगंज थाना क्षेत्र के गेंडेवाली रोड पर रहते हैं। उनके पड़ोस में आपराधिक प्रवृत्ति का युवक फैजल खान भी रहता है। रात को डॉक्टर और फैजल खान में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को लात घूसों से पीटना शुरू कर दिया। इस बीच जब डॉक्टर की बेटी बीच बचाव करने आई तो बदमाश युवकों ने उसके साथ भी मारपीट की। मारपीट की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिर डॉक्टर फुटेज लेकर थाने में पहुंचे और बदमाश की। उधर पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके लिए उसे वारंट के आधार पर जेल भेजा गया है। अभी हाल ही में एक जो इंदरगंज में एक बदमाश है, उससे कि जो वहाँ पे डॉक्टर निवासी करते हैं, फरियादी हैं, उनके द्वारा विवाद का मामला सामने आया था, जिस पर से पुलिस ने मारपीट की धाराओं में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है। सीसीटीवी वीडियो में स्पष्ट तौर पर बदमाश और जो डॉक्टर हैं उनकी झड़प होती हुई देखी जा सकती है। जो व्यक्ति है आपराधिक प्रवृत्ति का है, पुलिस ने उसको तत्काल गिरफ्तार भी किया है और उसके खिलाफ जो पूर्व में भी जो वारंट पेंडिंग थे उनमें उनको जेल भी भेजा गया। प्रायः वीडियो में संज्ञान लिया गया तो सामने आया कि दो युवकों के बीच मारपीट हो रही है। जो डॉक्टर साहब हैं उनकी बच्ची बीच बचाव करने के लिए आई थी, उसको भी उस इसमें प्रकरण में साक्षी बनाया गया है और संपूर्ण विवेचना में जो भी कार्रवाई उस आपराधिक व्यक्ति के खिलाफ बनती है वो की जा रही है।